राजस्थान बजट में कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा। राजस्थान के अंतिम बजट में प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए। राज्य बजट 2023-24 में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस। राजस्थान बजट में रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें होंगी संचालित। राजस्थान बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के बजट में पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू होगा। जमाव रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। राजस्थान बजट में कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। राजस्थान बजट में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान। राजस्थान बजट में प्रदेश के 13 जिलों यथा अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ईआरसीपी योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों से ईआरसीपी परियोजनाओं का काम निरंतर जारी रखेंगे। राजस्थान बजट में आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। राजस्थान बजट में प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की हुई घोषणा। राजस्थान बजट में RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। राजस्थान बजट में 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की दी जाएगी छूट। राजस्थान बजट में जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण। राजस्थान बजट में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की हुई घोषणा। राजस्थान बजट में जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 करोड़ रुपए के होंगे व्यय। राजस्थान बजट में प्रतापगढ़, जालौर व राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होंगे मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 1,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राजस्थान बजट में छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आजी के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की हुई घोषणा। राजस्थान बजट में NSS, NCC, स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। राजस्थान बजट में खेल प्रशिक्षण यानी कोच के 100 पद होंगे सृजित। राजस्थान बजट में राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान बजट में राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा। राजस्थान बजट में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। राजस्थान बजट में सभी EWUS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा निःशुल्क। राजस्थान बजट में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू। राजस्थान बजट में विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे व्यय। राजस्थान बजट में गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा, गीग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी होगा गठन। राजस्थान बजट में प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। राजस्थान बजट में प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की हुई घोषणा। राजस्थान बजट में जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। राजस्थान बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू, 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। राजस्थान बजट में प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। राजस्थान के बजट में रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की होगी छूट।
राजस्थान बजट में इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा। राजस्थान बजट में जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान। राजस्थान बजट में 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। राजस्थान बजट में NTSC की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू, प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। राजस्थान बजट में वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। राजस्थान बजट में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा। राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि रुपए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान। राजस्थान बजट में 150 करोड़ की लागत से बृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहर ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजस्थान बजट में राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। राजस्थान बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई। राजस्थान बजट पर सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। राजस्थान बजट में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए SOG के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स होगा गठन। राजस्थान बजट में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। राजस्थान बजट में कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की, बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी होगा उपलब्ध। राजस्थान बजट में जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा APG अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। राजस्थान बजट में महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज। राजस्थान बजट में आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। राजस्थान बजट में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त, 1,04,00,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। राजस्थान बजट में युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड। राजस्थान बजट में बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की हुई घोषणा। राजस्थान बजट में दिन मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा।